नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे क्यासु। इस वक्त नौगांव से खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और महिला समिति एवं सुमित्रा सामाजिक संस्था के द्वारा नौगांव के उप जेल में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। इस मौके पर लगभग 75 कैदियों की चेकअप भी किया गया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी मुहैया कराई गई। आप सबको मालूम है कि एड्स जागरूकता माह चल रहा है। हम लोग पिछले 1 दिसंबर से, आज 12 तारीख हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे लोगों को एचआईवी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और हमारी जो थीम भी है कि हम पूरे विश्व में एकजुटता के साथ और सबके सहयोग के साथ एचआईवी के बारे में लोगों को जागरूक करें, लोगों को एचआईवी से बचाएं। जैसे जेल में हम आते हैं, जेल में विभिन्न जगह के लोग रहते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं, तो वो जागरूक भी होते हैं, टेस्टिंग में भी शिरकत करते हैं और उनका ये नॉलेज उन्हें बहुत सहयोग करता है। उनसे उनका परिवार और जहां वो रहते हैं वहां भी एचआईवी के बारे में जानकारी देते हैं और लोगों की सुरक्षा में वो अपना सहयोग देते हैं। आज सब जेल नौगांव में जिला अस्पताल के एड्स शाखा के द्वारा एक कैंप रखा गया, जिसमें बंदियों को एचआईवी एड्स के संबंध में जागरूक किया गया जी। और परीक्षण किया गया, जिसमें 72 बंदियों का एचआईवी परीक्षण हुआ, जिसमें कोई बंदी पॉजिटिव नहीं पाया गया, सभी बंदी निगेटिव रहे। इसकी जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर लोगों से? इसकी जागरूकता के लिए यही है कि जिस प्रकार से जेल में जागरूकता का कार्यक्रम हुआ, इसी प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न जगहों में होता रहे, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और जो व्यक्ति इससे जागरूक हुए हैं वे भी अपने परिवार में, अपने परिचित के लोगों में इस बारे में जानकारी दें, इसको छिपाएं नहीं बल्कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करें, जिससे कोई भी बंदी एचआईवी से ग्रसित ना हो। क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ है, सिर्फ बचाव ही इसका उपचार है। अतः मैं यही सभी से अपील करूंगा कि लोग इसके बारे में एक दूसरे को जागरूक करें।